अरे भाई, ये मेरे ट्राइपॉड को क्या हो गया रे? इसका जो मोबाइल माउंटिंग या माउंटर है, ये बड़ा ढीला हो जाता है यार ऑटोमेटिक। अभी इसका जुगाड़ तो कुछ करना पड़ेगा। तो आप सबने भी शायद से ऐसा कुछ ट्राइपॉड ख़रीदा होगा अमेज़न या फ्लिपकार्ट या और कहीं से लोकल स्टोर से। तो इस टाइप का नॉर्मल प्रॉब्लम है ये, जो मोबाइल माउंटर ये काफ़ी लूज़ हो जाता है कुछ समय बाद। तो आज हम इसको ठीक करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। इस मोबाइल माउंटर के बैक साइड में आप एक प्लास्टिक हेडेड बोल्ट देख रहे होंगे। इस बोल्ट को आपको हाथ से लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद में ये कैमरा माउंटर बिल्कुल अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद कुछ ऐसा आप देख सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक वॉशर लेना है और ये बोल्ट के साथ में आपको ये वॉशर को बिठा देना है, और एज इट इज़ कैमरा माउंटर को आपको जगह में बिठा देना है। अभी भाई लोग, अपना ट्राइपॉड बिल्कुल पहले की तरह सेट हो चुका है और ये बहुत ही रिजिड हो चुका है अभी। तो देख सकते हैं पहले कितनी आसानी से ये हिल जा रहा था, लेकिन ये अभी बहुत दम लगाने पे भी हिलता नहीं है। तो हमने जो चाहा, फाइनली हमारा ट्राइपॉड हमने ठीक कर लिया। दोस्तों, इस टाइप के ट्राइपॉड में आपने और एक प्रॉब्लम देखा होगा। इसका जो माउंटर है, यहाँ पे एक रबर का पार्ट लगा हुआ है जिसको हम खींच के अपने मोबाइल को इस माउंटर में प्लेस करते हैं, लेकिन ये कुछ समय बाद टूट जाता है। तो आज हम इसे भी ठीक करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस रबर के पार्ट को आपको हाथ से निकालना है। ओप्स, गिर गया। ये छोटा सा रबर का पार्ट है, इसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ और जुगाड़ लगा सकते हैं। आप सब सामने एक मेटेलिक लूप देख रहे होंगे। इस लूप में हमें एक धागा बांधना है दोस्तों। इस टाइप का एक लाल धागा या कोई भी एक कलर का आप धागा चूज़ कर सकते हैं। धागा बनने के बाद कुछ ये इस टाइप का दिखेगा, और आपको रबर का जो पीस है एज इट इज़ बिठा देना है। ऑलमोस्ट रिपेयरिंग का काम पूरा हो चुका है। अभी हम इसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। देख सकते हैं खींचने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, ये ठीक ठाक काम कर रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।